इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन पस्ता कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ कंपिटेटिव एक्सक्लूजन यूनिवर्सलिटी ऑफ कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन एंड द एग्जाम्पल ऑफ कंपिटिटिव एक्सक्लूजन तो वाट इज कंपीटेटिव एक्सक्लूजन स्टूडेंट्स सिंपल वर्ड्स का अगर हम मीनिंग देखें तो कंपीटिटिव एक्सक्लूजन मीन दियर कम्पिटिशन बिटवीन टू स्पीसीज एंड वन हैव टू बी एक्सक्लूडेड आउट यानी लफ्सों की मतलब हमें बता रहा है अगर किसी हैबिटेट के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स मौजूद हैं और वो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं तो जब वो कम्पीट करेंगे तो डेफिनेटली एक ग्रुप जो है उसको वहाँ सर्वाइव करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा सेम यही इसको हम साइंटिफिक व्यू में अगर हम देखें तो दिस इज एक्चुअली द आइडिया दिस इज एक्चुअली द थी दिस इज एक्चुअली द प्रिंसिपल विच सेज दैट नो टू स्पीशीज कैन को एग्जिस्ट इन स्पेसिफिक हैबिटेट इफ दे आर हैविंग आइडेंटिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड दे आर शेल्टर And the other physical environment requirements. So means if they are have identical requirements, then both species they cannot coexist. Means among those two species, one species have to leave that specific habitat or they uh, that should get ready for the death. So, what is the universality of this idea of competitive exclusion? Scientists have, when this idea was proposed. द साइंस दे वार इन्फ्लुएंस वेरी मच अबाउट दिस आइडिया जब ये आइडिया कंपिटिटिव एक्सक्लूजन का आइडिया पेश किया गया तो उस वक्त जो थे साइंटिस्ट उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जो थे इन्फ्लुएंस थे एंड दिस आइडिया डोमिनेट अप टू फिफ्टी ईयर्स फिफ्टी ईयर्स तक इस आइडिया से साइंटिस्ट मोस्टली इन्फ्लुंस रहे इसकी जो है वो इसको इंप्लीमेंट करते रहे डिफरेंट जो है वो इकोसिस्टम या हैबिटेट्स के अंदर सो आफ्टर एक्सटेंसिव स्टडीज इन लेबोरेटरी एंड आल्सो इन द नेचुरल इन्वामेंट इट केम इट बिकेम वेरी क्लियर दैट द आइडिया ऑफ कंपिटेटिव एक्सक्लूजन इज नॉट एक्जिस्टिंग यूनिवर्सल एट यूनिवर्सल लेवल मीन्स दम्पिटेटिव एक्सक्लूजन इज नॉट हैज वी हैविंग एनी यूनिवर्सलिटी मतलब यह है कि जो कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन है वो आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते स्पेसिफिक केसेज में हो सकता है कि इन्वायरमेंट के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हो सकता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम द आइडिया ऑफ कंपिटेटिव एक्सक्लूजन इट फेल टू प्रूव ये जो आपने आपको प्रूव नहीं कर सका फेल हो गया वट इज द रीज़न अब कहता है कि इसकी बेसिक रीज़न जो है इसकी दैट नन ऑफ द टू स्पीशीज टू डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन एनी इन्वायरमेंट दे के आर हैविंग आइडेंटिकल रिक्वायरमेंट्स कि कोई भी किसी भी हैबिटेट के अंदर दो रहने वाली स्पीशीज कभी भी एक दस बिल्कुल आइडेंटिकल रिक्वायरमेंट नहीं रखती हैं आमतौर पर वो दे मे बी यूटिलाइजिंग सेम रिसोर्सेज लेकिन रिसोर्सेज सेम यूज करते साथ ही जब वो रिसोर्स डिप्लीट होना शुरू होगा तो वन ऑफ देम मे शिफ्ट टू सम अदर रिसोर्स कि यानी अगर उनके दरमियान कंपटीशन है भी है तो हो सक उसके बाद उनके अदर देन दैट रिसोर्स उस खास रिसोर्स के अलावा भी उसके फूड के और रिसोर्स हो सकते हैं जहाँ वो क्या कर सके जिसके ऊपर सर्वाइव कर सकता है तो अगर तो एक्सक्लूसिवली जिस चीज़ के ऊपर कंपटीशन हो रहा है अगर उसके अलावा दोनों स्पीशीज का गुजारा नहीं होता तो फिर तो वो एक्सक्लूजन इंप्लीमेंट होगा लेकिन नेचर के अंदर चूंकि नेचर ने एक बड़ा कम्प्लेक्स जहाँ वो नेटवर्क है एनिमल्स का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का इसलिए कि वो एक से ज्यादा चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं अगर एक चीज़ के ऊपर कंपटीशन है तो उसके साथ वो दूसरे रिसोर्स को यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं हाव एवर देर आर सर्टन केसेज वेयर द आइडिया ऑफ कंपिटेटिव एक्सक्लूजन वाज प्रूव एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ अगर हम देखें दे कैलिफोर्निया दे आरज ए स्पेसिफिक इंसेक्ट पेस्ट दैट इंसेक्ट पेस्ट दैट इज अ रेड स्केल

इट एक्चुअली आर यूटिला रेड स्के पेस्ट अब गोल्डन डेवल स्केल्स का बेसिकली ये भी एक इंसेक्ट है सॉरी ये भी हमारे पास जो इन स्पेसिफिक जो है वो कह सकते हैं कि ये इसको जो ऑलरेडी हमारे पास एक पैरासाइट मौजूद है डिफरेंट क्रॉप का जो सिट्रस क्रॉप्स का ये इसको फीड करते हैं उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए गोल्डन लेवल स्केल सेक्कर से मिलती जुलती एक और स्पीशीज जो है वो चाइना में एग्जिस्ट करती थी दैट इज एक्चुअल द लेगन एन नेव स्केल सेक्कर जो है वो तो द साइंटिस्ट दे एक्चुअली इम्पोर्टेड द लेग्न एंड स्केल सेक्कर फ्रॉम चाइना टू द कैलिफोर्निया एंड बोथ स्पीशीज वर इंट्रोड्यूसिंग टू द क्रॉप्स तो इस क्रॉप्स के उस फील्ड के ऊपर दोनों स्पीशीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवा गई एक जो ऑलरेडी नेटिव स्पीशीज थी दैट वॉज द गोल्डन नेवल्ड स्केल सक्कर और दूसरी वो स्पीशीज थी जो कि इम्पोर्ट की गई थी फ्राम द चाइना दैट वॉज द लिगन स्केल सक्कर साइंटिस्ट का ख्याल ये था कि ये दोनों स्पीशीज मिलकर जो पैरासाइट्स हैं जो इंसेक्ट्स हैं उसको क्या करें कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे बट आफ्टर टू ईयर्स द साइंटिस्ट नोटिस दैट द नेटिव स्पीशीज इज नो मोर लिविंग देअर के जो नेटिव स्पीशीज थी जिसको गोल्डन नेवल्ड स्केल शक्कर थे वो आस्ता आस्था जहाँ ये दोनों स्पीशीज़ चाइना वाली स्पीशीज और जो कैलिफोर्निया की अपनी जो स्पीशीज थी जहाँ दोनों को रखा गया था उसमें से जो नेटिव स्पीशीज़ थी कैलिफोर्निया की दैट वॉज एलिमिनेटेड वो वहाँ से जो है वो ख़त्म होगी तो दिस इज द एग्जाम्पल ये इस चीज़ से सामने आया कि एक्चुअली दोनों स्पीशीज़ का चूँकि जो चाइना से इम्पोर्ट किए जाने वाले सैम्पल्स थे और जो ऑलरेडी कैलिफोर्निया के अंदर स्पीशीज थी और दोनों का फूड रिसोर्सेज सेम थे तो सेम रिसोर्स की वजह से जो चाइना से इम्पोर्ट किए गए थे वो ज़्यादा अपने एडवाटेजेस के उसके ऊपर था जिसकी वजह से उसने राय था नेटिव स्पीशीज को एलिमिनेट कर दिया तो दिस इज द एग्जाम्पल वेयर कंपिटेटिव एक्सक्लूजन इज प्रूवड इस एग्जाम्पल में कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन जो प्रूव होता है बट इन मोस्ट केसेज नेचर के अंदर ये बहुत कम स्टडीज ऐसी हैं जिसमें कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन जो है उसको हमें एविडेंसेज मिलते हैं